अग्रवाल आखिर फिर जिला पंचायत उपाध्यक्ष बन गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को जिला पंचायत पहुंचे और उपाध्यक्ष की कुर्सी संभाली। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ नीलेश पारिक ने उन्हें ज्वाइन कराया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर पेच उलझ गया था, क्योंकि करीब डेढ़ महीने पहले ही प्रशासन ने खाली पड़ी जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए निर्वाचन कराया था और भाजपा के डॉक्टर मदन लाल चौहान को जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया था। प्रशासन की इसी निर्वाचन की प्रक्रिया को भरत पोरवार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने उनका पक्ष सुनने के बाद केवल उनकी जिला पंचायत की सदस्यता को बहाल कर दिया था, बल्कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए फिर से कराई गई निर्वाचन प्रक्रिया को अवैध माना था और उसे शून्य घोषित कर दिया था। संभाग आयुक्त अजीत कुमार ने आदेश दिया कि वे भरत पोरवाल को उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइन कराएं, जिस पर संभाग आयुक्त ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश में पोरवाल को उपाध्यक्ष पद ज्वाइन कराने के लिए कहा था। उज्जैन से दुष्यंत वर्मा की रिपोर्ट। ये भगवान महाकाल की नगरी है, उनका आशीर्वाद रहा। हाईकोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कुछ षड्यंत्रकारी लोग थे, उन लोगों ने गलत प्रक्रिया के तहत मुझे हटाया था। हाईकोर्ट ने उसको सुधार दिया है। संभाग आयुक्त से लेकर कलेक्टर महोदय से लेकर जिला पंचायत सीईओ ने उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मुझे वापस से जिला पंचायत का आपके आशीर्वाद से उपाध्यक्ष बना दिया। अभी आचार संहिता लागू है, इसी बीच में वो हाईकोर्ट के आदेश के पालन में आचार संहिता नहीं आती। अभी आपको जो परमिशन मिली थी चार लोगों की मिली थी, उसके बावजूद चार लोग ही हम चार लोग जिला पंचायत के अंदर चार लोग हैं। ठीक है।